मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला है। राज्य सरकार प्रदेश के जिन बांधों को रेत निकालने के लिए ठेके पर दे रही है उस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश पहले से ही अवैध खनन की भेंट चढ़ गया है। साथ ही कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज में माइनिंग माफिया हावी है। बीजेपी नहीं कांग्रेस के मंत्री भी कह चुके हैं कि प्रदेश में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं अवैध खनन को रोकने के लिए होशंगाबाद जिले में नर्मदा किनारे कंप्यूटर बाबा कई संतों के साथ धरने पर बैठे हैं। बता दें कि बाबा कांग्रेस सरकार का समर्थन करने आए हैं, जिस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने नर्मदा नदी की छाती को छलनी कर दिया है। पूरा प्रदेश अवैध माइनिंग की गर्त में जा रहा है, माइनिंग माफिया हावी है। हमारे कहने के बाद में सरकार के मंत्री और विधायक कह चुके कि रेत माफिया प्रदेश को अपनी कब्जे में लिए हुए। अब बाबा श्री स्वयं धरने पर बैठ गए, नर्मदा माँ की छाती को चीरा जा रहा है। दुखद बात यह कोई सुनने वाला नहीं।